देहरादून के विकास नगर में तमंचे के बल पर तीन बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए सराफा व्यापारी तमंचा लिए बदमाश से भिड़ गया। आसपास के दुकानदारों के सहयोग से बदमाश को दबोच लिया गया, लेकिन दो बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद आसन बैराज के समीप बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया, वहीं जवाबी में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें गोलियां दोनों बदमाशों के पैरों में लग गईं, जिन्हें उपचार के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश जहांगीर और सौरभ दोनों निवासी कोतवाली सिटी सहारनपुर के रहने वाले हैं। जहांगीर पर सहारनपुर में विभिन्न धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं SSP अजय सिंह ने भी मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण किया। विकास नगर से संवाददाता इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। बैठे मेरे दुकान पे और एक पहले तो एक आया, कंबल लिया हुआ था, पूरा मुंह ढका हुआ था। मैंने कहा चैन दिखाओ, चैन देखो थी। मैंने जब देखा उसको, मैंने कहा खैर, मैंने कहा चलो बैठो। फिर दूसरा भी आ गया, उसने यहाँ पे मेरे पिस्टल लगा दी, वो कट्टा जो भी होगा उसके पास निकाल के सब कुछ मार के बोले। मैंने उसका हाथ झटका और मैं कुर्सी से उठ के उसके ऊपर एकदम से लपका, उसने बहुत तेज मेरे हाथ मारा भी, मेरी कोई पकड़े भी गया, पकड़ा एक बंदे को मैंने पकड़ के रखा, उसमें घसीटता हुआ उसको भाग ले गया और भाग जाके शोर मचाया, तो पब्लिक रखी हुई तो उसको पकड़ लिया। ये राडा ज्वेलर्स जी के यहाँ पर तीन बदमाश नकाबपोश पहुँचे थे वहाँ पर, और इन्होंने वहाँ पर दर्जी शॉप को लूटने का अटेम्प्ट किया, और तत्काल इनके द्वारा जो भी था इन्होंने रिएक्ट किया और एक बदमाश से हाथापाई की होगी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुँची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिक पूछताछ में जैसी सूचना मिली तो तत्काल पूरे शहर देहात में चेकिंग का अभियान चला देगा, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। पूछताछ से पता चला कि गैंग सहारनपुर का है, जो लगातार वारदातें ऐसी करता था। इसके आधार पर सहारनपुर से तत्काल वहाँ के SOG और सभी से इनपुट लेने के बाद फिर चेकिंग अभियान चला गया। जो हुलिया में मिला था उसके आधार पर सभी टीमें लगातार लगी हुई थी। प्रासन बराज के पास चेकिंग के दौरान जब ये बदमाशों को रोका गया तो ये वहाँ पर इकट्ठा थे एक खंडर के पास, वहाँ एक खेत के मैदान के पास इनके द्वारा फायर किया गया। उसके बाद जवाबी फायर में एक बदमाश जहांगीर इसके पैर में दो गोली लगी और एक सुपोध करके और एक नवीन, तीन लोग इस पर अरेस्ट हुए थे, इसके एक गोली लगी। इस पर जब पूरी पूछताछ के बाद अभी तक जो हमें प्राथमिक जानकारी मिली है कि इस गैंग के ऊपर खासकर जहांगीर जो अभी जो बदमाश की दो गोली लगी है, इस पर 21 मुकदमे अभी तक वेरीफाई हुए हैं जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से है, और वहाँ मंडी थाने में भी लूट डकैती के इस मुकदमे हैं। पहले भी पुलिस मुठभेड़ में उसको गोली लगी थी। साथ ही नवीन और सुबोध जो बदमाश है ये भी इसके गैंग के सदस्य हैं और लगातार इन पर भी वारदातों के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। क्योंकि अभी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, सहारनपुर पुलिस और SOG भी यहाँ पर पहुँच के पूछताछ करेगी तो सारा निकल के आएगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने वारदातें करी, लेकिन अभी तक इनके 21 मुकदमे की जानकारी अभी पुलिस से मिल पाई। सर आज जो घटना विकासन घटी है इसमें कितने लोग शामिल करेंगे? इसमें तीन लोग ही इस पर प्रकाश पाए, चूंकि जो हमारे राणा ज्वेलर्स जी से इनसे बात हुई है तीन लोग बताए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि कहीं कोई बाहर अन्य लोग ना शामिल हों।